इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं दीपक कुमार गुरुकुल आईटीआई के डिजिटल लर्निंग क्लास में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग रजिस्टर के बारे में पढ़ रहे थे और टाइप ऑफ रजिस्टर की बात करें तो हम लोग कार्बन रजिस्टर के बारे में पढ़ रहे थे और उसके टाइप्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज जो है हम लोग वायर वाउंड रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग वायर वाउंड रजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे और वायर वाउंड रजिस्टर के टाइप के बारे में पढ़ेंगे। तो वायर वाउंड रजिस्टर जो है उसका एक टाइप है जो ये मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को। ये जो रजिस्टर है ये वायर वाउंड रजिस्टर का एक टाइप है। ये क्या होता है कि देखिए, ये जो है एक सोलेनोइड है जो कुछ अलग पदार्थ का होता है। ये चीनी मिट्टी का भी हो सकता है, अवरक का भी हो सकता है या एनी कोई भी कुचालक मटेरियल हो सकता है। और इसमें जो वायर लगा होता है वायर वाउंड रजिस्टर में, ये वायर जो आप देख रहे हैं बारीक, ये जो है यूरेका का लगा होता है। ये जो यूरेका है, ये यूरेका होता है जिसमें 60% निकेल और 40% कॉपर का मिश्रण होता है। तो वायर वाउंड रेजिस्टेंस को ऐसे कर सकते हैं कि किसी सोलेनोइड पाइप में या किसी कुचालक सोलेनोइड पाइप में अगर यदि हम यूरेका के पतली तार को नंबर ऑफ टर्न लगा दें और उसके दोनों सिरों के इन से आउटपुट निकालें, तो इस तरह का जो हमारा वायर के द्वारा बनाया गया जो हमको इससे प्रतिरोध मिलेगा, रेजिस्टेंस मिलेगा, इसी को हम लोग बोलेंगे वायर वाउंड रेजिस्टर। ये जो है हम लोग 0.01 से 1 मेगा ओम तक का बना सकते हैं। मतलब 0.01 ओम से 1 मेगा ओम तक का बना सकते हैं। और इसकी वाटेज क्षमता जो है, इसकी वाटेज क्षमता 5 वाट से 50 वाट तक का हम लोग बना सकते हैं। अब देखिए वायर वाउंड रजिस्टर को हम लोग नियंत्रण के आधार पर वायर बाउंड रेजिस्टेंस को 4 टाइप में विभक्त करते हैं। इसमें जो आपका पहला आता है वो होता है फिक्स्ड वैल्यू रजिस्टर। फिक्स्ड वैल्यू रजिस्टर जिसको हम लोग बोलते हैं नियत मान रजिस्टर, नियत मान रजिस्टर। यह क्या होता है, यह भी वायर बाउंड का ही बना होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 टर्मिनल होते हैं। मैं आपको फिगर बना करके दिखा रहा हूं। ये इस प्रकार का ये जो है सोलेनोइड पाइप है और इसमें नंबर ऑफ टर्न लगे होते हैं। यहां पर क्या होगा, इसमें यही 2 टर्मिनल निकला हुआ होगा। एक ये इसमें
किसी में भी हम लोग एक में इनपुट कर सकते हैं और एक में आउटपुट कर सकते हैं। ये मैक्सिमम 1 किलो ओम का हम लोग बना सकते हैं और इसकी वाटेज क्षमता जो है वो 10 वाट तक होती है। तो फिक्स्ड वैल्यू रजिस्टर जो है ये मैक्सिमम 1 किलो ओम का होगा और इसकी वाटेज क्षमता 10 वाट तक की होती है। दूसरा जो हमारा आता है वो है टेप्ड रजिस्टर। टेप्ड रजिस्टर, ये रजिस्टर क्या होता है, सिमिलरली उसी प्रकार की बनावट का होता है, लेकिन इसमें क्या होते हैं, बीच से भी हम लोग इसमें टर्मिनल को आउटपुट कराते हैं। ये जो है टेप्ड रजिस्टर के अंतर्गत आता है। इसमें क्या होता है कि डिफरेंट जो है हम लोग इसमें टर्मिनल निकाल देते हैं। जैसे ये हमारा, जैसे पिछले हम लोग जो फिगर देखे थे, ये मान लीजिए यहां से हम लोग इनपुट करेंगे और यहां से आउटपुट करेंगे तो मैक्सिमम रजिस्टेंस मिलेगा। लेकिन अगर यदि हम इस पॉइंट के जगह अगर इस पॉइंट से आउटपुट लें तो यहां पे क्या होगा कि उसकी तुलना में यहां पे जो हमको रेजिस्टेंस है कम मिलेगा, उससे भी कम यहां पे मिलेगा। यहां पे हमने इस फिगर में 4 टर्मिनल को दिखाया है, ये जो है और भी मैक्सिमम टर्मिनल का हो सकता है। अब जो नेक्स्ट रजिस्टर होता है वायर वाउंड में वो होता है एडजस्टेबल। तीसरा है एडजस्टेबल रजिस्टर। ये क्या होता है, इसकी भी बनावट यूरेका वायर के सोलेनॉइड पाइप पर ही होती है, लेकिन ये कुछ आपको इस प्रकार से दिखता है। ये क्या होता है, यहां पे हम लोग इनपुट करेंगे और ये क्या होगा कि इसमें जो है पतली पतली पूरी बारीक जो है पतली जो है वायर जो है इसमें लगी हुई होती है और इसके वैल्यू को हमको जो चाहिए उसके अनुसार इसमें से किसी के मतलब किसी को भी एक टर्मिनल को किसी से आउटपुट करके, मान लीजिए हम यहां से आउटपुट करते हैं आउटपुट, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, इसको आगे बढ़ा सकते हैं या फिर इसको पीछे की ओर खींच सकते हैं। तो जब इसको हम आगे की ओर बढ़ाएंगे तो इसके रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाएगा और पीछे जब हटाएंगे तो रेजिस्टेंस का मान कम हो जाएगा। इसके
इससे क्या होगा कि जरूरत के अकॉर्डिंग हमको जो है रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो ऐसे जो रेजिस्टर होते हैं वायर वाउंड के, इनको हम लोग बोलते हैं एडजस्टेबल वायर वाउंड रेजिस्टर। ये जो है 0.0 ओम इतना एम्पियर तक का होता है और ये 100 ओम तक का, 100 ओम 0.3 एम्पियर तक का बनाया जाता है। अब चौथा और लास्ट जो आता है आपका वो होता है रिहोस्टेट। तो ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये है रिहोस्टेट। ये क्या होता है, ये भी एडजस्टेबल टाइप की होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि कोई सेंटर टैप टर्मिनल नहीं निकला हुआ होता है। इसमें क्या होता है कि किसी भी एक पॉइंट पे, जैसे यहां पे देखिए ये और ये दोनों से अगर यदि हम एक से इनपुट करें एक से आउटपुट करें तो इसमें हमको क्या मिलेगा कि इसमें जो है आपको फिक्स रेजिस्टेंस मिलेगा। लेकिन अगर यदि हम एक यहां पर दे दें और दूसरा जिधर हम यहां पे देंगे उसके जस्ट अपोजिट साइड में इस टर्मिनल पे दें तो इसको क्या होगा कि जब हम इसको आगे और पीछे करेंगे तो इसके मान में परिवर्तन होगा। तो इस तरह के रेजिस्टेंस जहां पे आप देखेंगे इसको हम लोग बोलते हैं, ये भी वायर वाउंड रेजिस्टेंस का ही एक टाइप है लेकिन इसका स्पेशल नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं रियोस्टेट। ये जो आप देख रहे हैं ये देखिए, ये आपका हो गया ये यूरेका वायर जो निकेल और कॉपर का 60 और 40 के मिश्रण से बना होता है। ये जो आप देख रहे हैं मेटेलिक कॉन्टेक्ट वायर है और ये जो आप देख रहे हैं ये है आपका एडजस्टेबल कॉन्टेक्ट। ये क्या होता है, इसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। और ये जो आपका ये लगा हुआ है ये है स्टैंड और ये किसी भी चीज का हो सकता है, पोर्सलिन का हो सकता है, चीनी मिट्टी का हो सकता है। ये जो होना चाहिए ये कोई भी मटेरियल होना चाहिए जो कि कुचालक पदार्थ हो या अचालक पदार्थ हो। तो ये जो आप देख रहे हैं इसी को हम लोग बोलते हैं रिहोस्टेट। इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं परिवर्ती प्रतिरोध। मतलब ये ऐसा रजिस्टर है, इसे क्या होता है कि हम लोग जितना हम लोगों को चाहिए उसके अनुसार से हम लोग रजिस्टेंस को जो है घटा और बढ़ा सकते हैं। आज हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।